पहले तो मरिया बंदे छड़दे सी उन्हां दे जो भी अस्थियां दान करते हूँ जिंदे ही अस्पतालपुरी कन्या गुड़िया छड़ दिता गया। लवारस बंदे नूं छड़ के जा रहे आ। मैं तो यही कहना चाहता यह जे जिहड़े भी इहदे कोई यह जे जिहड़े भी इहदे कोई बारी वास होगा ना चाहीदी। वीडियो विच कोई पछाणदा है तां जरूर बाबा जी नूं जिंदा जी बेसारा आश्रम नंगल विखे जरूर आके संपर्क कर। कहिंदे ने कि माता पिता दे चरणां विच स्वर्ग हुंदा है, परंतु कुछ लोग अजिहे भी हुंदे ने जो कि अपने ही मापिआं नूं माड़े हालातां विच छड्ड के दूर चले जांदे ने। अजिहा ही मामला सामने आया इतिहासिक गुरु घर पतालपुरी साहिब च, जिथे कोई घर दा ही व्यक्ति अपनी बुजुर्ग माता नूं इत्थे छड्ड के चले गया जो कि अखां तों सही तरीके नाल वेख भी नहीं सकदी। बीते 10 दिनां तों इह माता इत्थे रह रही है जिस दी देखभाल गुरुद्वारा साहिब दे सेवादारां वल्लों कीती जा रही सी। ते इस तों बाद जदों इह मामला समाजिक कारजां लई काम कर रहे फौजी बलजीत सिंह दे ध्यान च आया तां ओह वी इत्थे पहुंचे ते उन्हां ने गुरु घर दे सेवादारां दी मदद नाल इस माता नूं जिंदा जीव बेसहारा आश्रम पहुंचाउण च अहम भूमिका अदा कीती है। जी सत श्री अकाल जी, अज सानू सेवा दित्ती है सरदार बलजीत सिंह फौजी जिहड़े फौज दे विच साडी देश दी रक्षा बार्डरां ते भी करदे आ, कदी जम्मू कदी देहरादून कदी ऋषिकेश जिथे भी बार्डर है चाइना दे जां पाकिस्तान दे उत्थे रक्षा करदे आ साडी, और पिछले 20 साल तों साडे आश्रम दे नाल जुड़े है। जिहड़ा भी कोई मरीज जदों छुट्टी आउंदे आ इह लाजमी अपने घरों लंगर बनवा के हर चीज़ दियाँ रस्ता लिया के इन्हें साढ़े आश्रम के जिंदा जी बेसहारा चैरिटेबल सोसायटी नंगल दे विच इन्हां गरीब असहाय और असमर्थ लोग जिहड़े रहिंदे आ अंगहीन लोग रहिंदे आ 100 पेशेंट उन्हां नाल पूरी साढ़े नाल मोंडे नाल मोंडा ला के कोई भी सानूं जो चीज़ की जरूरत पवे ये साढ़े फौजी साहब सानूं मुहैया कराते हैं। मेरे एक बार फोन करने की गल है भी सिर्फ फौजी साहब सानूं आ चीज़ चाहिए है उस वेले अज सानूं इन्हां ने सेवा दित्ती है। ये पतालपुरी पहले तो मरदिया मरिया बंदे छड़दे सी उन्हां दे जो भी अस्थियां दान करते हूँ जिंदे ही पतालपुरी इस कन्या ए गुड़िया छड़ दिता गया इन्हां दे घरदिआं वल्लों जिंदिआं ही। कोई इस भैण नूं जाणदा है पछाणदा है वीडियो विच कोई पछाणदा है तां जरूर बाबा जी नूं जिंदा जी बेसारा आश्रम नंगल विखे जरूर आके संपर्क करन तां कि इस भैण दा घर मिल सके। अगर घर नहीं मिलता है तो बाबा जी इन्हां नूं इत्थे आश्रम विच तां रखे ही है। सो बहुत बहुत धन्यवाद जिंदा जी बेसारा आश्रम दा जी। साडे पत्रकार जी दे थोड़े जिहे विचार लोक पतालपुरी साहिब च तां मरिया होया बंदिआं नूं छड्दे आ पर लेकिन जिंदिआं नूं छड्ड रहे तां बहुत माड़ी गल आ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਵਾਰਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਵਾਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ। ਦੋ ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕਲੇਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।